सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 10th का है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइज, आप कोई से भी स्कूल से बिलोंग करते हो, अगर आप CBSE स्कूल में पढ़ते हो तो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT और RS अग्रवाल बुक से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ वो 2017-18 का है, एंड टोटल जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। 3 घंटे आपको मिल जाते हैं पूरे पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन नंबर ए जो है 126 एक मार्क्स का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है सेक्शन नंबर बी, विच इज़ 7-12 कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 7 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने ओसवाल का सैम्पल पेपर ख़रीदा है, पता नहीं अभी तक आया है या शॉप में या नहीं आया है, अगर आ गया है तो परचेज़ ज़रूर करिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भूलिएगा मत, और इसके साथ ही ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। बच्चे क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं, सॉल्व करने लगते हैं, तो नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में, एंड दिस इज़ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मजाक नहीं है। सो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही काम माइंड के साथ सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेक्शन नंबर सी है जो है 13-22, वो 3-3 नंबर का यहाँ पर पूछा जा रहा है। होपफुली गाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा मतलब मुड़ चुका है, बट इट्स फाइन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रूव डेट वाला, या फिर आप इवेल्यूट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, गाइज मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ, स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है तो आप लोग स्किप करने लगते हो, कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप लोगों को शो कर रही हूँ, ताकि आप भी देखने में ज़्यादा बोर मत हो, और टाइम एक सेट रहता है तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ टाइम सेट है, हमें जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना है। सो दिस वॉज द वीडियो, ये था सारा क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए।